मजा से सोते रहता है ये। ये दिन को सोता है और रात को जगाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक पंगा हो गया, मैं सुबह सुबह थोड़ा लेट उठा हूँ। अभी बज रहा है 9 और रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया ठीक से वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल चाय लेके मैं दुकान पे ही आ गया हूँ। पापा वैसे दुकान खोल दिए थे सुबह सुबह और साफ सफाई भी और सामान भी उन्होंने निकाल दिया है। चाय लेके आया हूँ तो चाय भी पीते हैं। मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। फिलहाल कोई कस्टमर है नहीं तो कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ। लगता है कोई कस्टमर है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि मैं आपको कुछ दिखाना और बोलना चाहता हूँ, तो सुबह मैं जब दुकान में आता हूँ मैं कंप्यूटर ऑन करके अपने YouTube चैनल का एनालिसिस खोलता हूँ। तो ये एनालिसिस जब मैं देखता हूँ तो सब कुछ मुझे ठीक ही लगता है। जब मेरा नज़र जाता है ये सब्सक्राइबर के ऊपर तो 157 फिलहाल है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ। बस व्यूज़ वगैरह तो आते हैं मेरे वीडियोज़ पे, बट चैनल में ग्रोथ नहीं होता है, चैनल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरा। तो गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं धीरे धीरे मैं डेली ब्लॉग की तरफ जा रहा हूँ और मैं अच्छा अच्छा ब्लॉग आपको दिखाऊंगा, अच्छा अच्छा वीडियो दिखाऊंगा। फिर मेरा फ्यूचर में प्लान भी है कि बहुत जगह मैं घूमने जाने, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। तो फिलहाल मैं घर में आया हूं ना, पापा दुकान पे बैठे हुए हैं। और मैंने जैसे कि आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं रात को क्यों नहीं सो पाया था, इस जनाब के वजह से मैं रात को सो नहीं पाया था क्योंकि ये रात भर जगा के रखा और अभी खुद घोरा बेच के सो रहा है। मज़ा से सोते रहता है ये दिन को सोता है और रात को जगाता है। और रात को नींद पूरा नहीं होता है, सुबह उठने में मुझे देरी हो जाती है और दुकान खोलने में भी देर हो जाती है। तो ये जनाब को सोने देते हैं। अभी बज रहा है दोपहर का 2 और दुकान बंद करने का टाइम हो गया। अभी जाएंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे और दुकान बंद करने के लिए रौनक भी आया है मेरे मदद के लिए, तो वो सामान वामान डालने में मेरा मदद कर रहा है। तो रौनक तुम नहा लिया क्या? नहा लिया? तो रौनक भी नहा लिया, तो मैं फिलहाल दुकान का सामान वगैरह सब अंदर डालता हूँ और जाके पहले नहाता हूँ। जनाब उठ गए हैं, अब इनको पिलाना है दूध। तो तब से ये रो रहे थे, अब दूध बन के आ गया तो इनको देखना है। देखिए कैसे ये देख रहा है, दूध पीना है। तो गाइज ये दूध पी लिया है, अब इसको नींद आ रहा है, अब ये सोएगा तो इसको सुलाते हैं। फिर मुझे नहाना भी है और आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सेविंग्स वगैरह भी करूँगा, तो इसको पहले सुला देता हूँ क्योंकि इतनी खाना बना रही है। तो तब तक मैं इसको सुला के फिर उसका सेविंग करता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसको सुला दिया था और ये फिर से जाग गया। अब बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या, सोता तो है नहीं, रात को भी नहीं सोता है ना दिन को सोता है, सिर्फ बदमाशी करते रहता है ये। तो इति कुमारी यहाँ पे खाना बना रही है। क्या बन रहा है इति कुमारी खाना? बहुत बिजी रहती है इति कुमारी। चलिए मैं शेयरिंग करता हूँ। तो ये रहा मेरा शेयरिंग का सारा सामान, तो शेयरिंग करते हैं। हेलो गाइस, सेविंग्स करके नहा वहा के लंच करके मैं दुकान में आ गया हूँ। फिलहाल अभी वो शाम का बज रहा है 4:30। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरे घर के सामने पूरा रास्ता सूखा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना है के कारण काफ़ी धूल उड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी डालने के लिए तो पाइप निकालना पड़ेगा पीछे के घर से, रूम से। तो यहाँ हमारा पाइप है, वहाँ हमारा पाइप को निकालते हैं बाहर और फिर पानी डालते हैं। गाइज रास्ते पे तो पानी वानी डाल दिया, अभी फिलहाल दुकान में हूँ। अंधेरा भी बाहर हो चुका है और
और कस्टमर आ रहे हैं, फिलहाल कस्टमर आ रहा है तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो समय हो रहा है 9:36, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़े नहीं, 157 के 7 ही है, पर मैंने अपने दुकान को बढ़ा लिया है, सामान अंदर डाल लिया है और अभी भी कोई कस्टमर भी नहीं है, तो दुकान तो बंद करने का टाइम हो चुका है और शाम से ही काफी कस्टमर आ रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। तो फिलहाल 9:30 बज चुका है, तो अब दुकान भी बंद करने का टाइम हो गया, अब चलते हैं घर में, घर में जाके बेटे के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, फिर खाना खाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपको घर जाके। तो दोस्तों ये अभी सो के उठा है, अब बड़े बड़े आंखों से मोबाइल की तरफ देख रहा है, ना ना चला। अब दादा पोता के भेंट होते, चलो चलो दादा पोता चल जाओ अपना अपना रूम में सोने के लिए। बिछौना लेके जाओ, बिछौना मत छोड़ना, बिछौना लेके जाओ, जाके अपना सो जाओ उस घर में, उस घर में जाके सो जाओ। भूख लगने से रोने कितना लगता है ना, पूरे गांव को बता देता है कि हाँ भूख लगा है। गुस्सा पियो, दूध पियो, अब हम लोग भी जाते हैं खाना खाने के लिए। पियो जल्दी जल्दी दूध, जल्दी पी। मैं पापा उसको पकड़ के रखे, तब तक हम लोग भी खाना खा लेते हैं। और इधर घर में खाना निकाल रही है, देखिए अभी मुंह फुला रही है, अभी भी थोड़ा सा पचका है, तो खाना निकाल ले। तो दोस्तों और ये साहब अभी तक सोया नहीं है और अभी बज रहा है 11, बजने में अभी 15 मिनट बचा है, पर इनको सोना नहीं है, ये अभी भी खेल रहा है। इसको सुलाने का टाइम हो गया है, सुलाना भी पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग सही से सो पाएंगे। अगर ये नहीं सोया तो फिर देर रात तक हम लोगों को जागना पड़ेगा। इसको सुलाते हैं, सोते के नहीं है, नहीं सोते के, लेकिन हम देख कैसे रहा है एकदम गौर से, सोते के नहीं है, खेले के है, इसका बदमाशी देखते रहिए। अब इसको शायद नींद आ रहा है, अब इसको ठोक बजा के सुलाना पड़ेगा, तो बस अब सुनते रहना कैसे कैसे ये क्या करता है, सुनना इसका खेल देखते रहना। ठीक एकदम ठीक, और बोलो बोलो, और जोर से, और जोर से, और जोर से, तनियारो जोर से, जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से, जोर से, अब इसका फेस का एक्सप्रेशन देखिएगा, ओकर बाद तो दोस्तों 12:10 हो चुका है और इसका अभी तक सोने का कोई नाम है नहीं, तो इसको अभी फिलहाल सुलाते हैं और हम लोग भी सोते हैं क्योंकि ये अभी तक सो नहीं रहा है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।